नमस्कार। पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों के बीच क्षेत्रवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। एक महीने के भीतर शहर में 4 सीएनजी पंप शुरू होने जा रहे हैं। सीएनजी आपूर्ति के लिए लगने वाले पंपों में इंदौरा पेट्रोल पंप, कुलड़िया पेट्रोल पंप, जांडली के पास व रतिया चुंगी पर काम फाइनल स्टेज पर है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के उप प्रधान सुखदेव कालापिल्ला ने बताया कि इन सभी पंपों पर सीएनजी की सेवाएं एक माह में आरंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नए बस स्टैंड के पास भी एक प्राइवेट कंपनी पंप लगाने की दिशा में काम कर रही है। यहां भी गाड़ियों में सीएनजी की आपूर्ति होगी। गौरतलब रहे कि शहर में अभी तक सीएनजी का एक भी पंप नहीं है और सीएनजी वाहन मालिकों को बड़ोपल जाकर सीएनजी भरवानी पड़ती है, जिससे उनका समय व पैसा दोनों बर्बाद होता है। टोहाना के हिसार रोड पर आज सुबह करीब 9:30 बजे निजी बस ने बाइक सवार पल्लेदारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 26 वर्षीय पल्लेदार अशोक निवासी गांव अमरगढ़ जिला जींद की मौके पर मौत हो गई तथा उसका भाई व एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया। इस दौरान जब एक घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तो मजदूरों ने वहां पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पाकर एसएचओ राजेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और मजदूरों को बताया कि आरोपी निजी बस चालक को पकड़ लिया गया है और बस को कब्जे में ले लिया है। इसके बाद मजदूरों ने जाम को खोल दिया।